दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते न्यूज में। हम फिर आपके लिए उपस्थित है अपडेट एवं अलर्ट न्यूज। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1 दिसंबर से लागू होने वाले नए नियमों के, यानी कि जो बदलाव होने वाले हैं यह है मोदी सरकार के नए नियम जिनका सीधा असर होगा आप पर और आपके जीवन पर। तो कौन कौन से नियम हैं और क्या क्या अपडेट है, आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आप अपडेट रहे देश दुनिया तमाम अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। दोस्तों आगामी शनिवार से दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है, इस दिन से 7 बड़े बदलाव हो रहे हैं। ये हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार के या मोदी गवर्नमेंट के 7 नए नियम हैं जिनका सीधा असर आपकी जिंदगी पर होने वाला है। 1 दिसंबर से नहीं काम करेंगे नेट बैंकिंग, पहला बदलाव है। दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने अपने समस्त ग्राहकों को अपनी बैंकिंग वेबसाइट ऑनलाइन SBI पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि 1 दिसंबर से पूरे देश में नेट बैंकिंग सुविधाएं कई लोगों के लिए ब्लॉक हो जाएगी। ग्राहकों की सुविधा चालू रखने के लिए अपना मोबाइल नंबर बैंक की शाखा में जाकर के रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। यदि पहले से भी आपका नंबर है तो आप जाकर वहां अपडेट करवाएं, यह इनके स्पष्ट निर्देश है। ऐसा नहीं करने पर नेट बैंकिंग सुविधाओं को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ड्रोन उड़ाने के लिए लेना होगा लाइसेंस। दोस्तों 1 दिसंबर 2018 से भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस लेना होगा। नैनो ड्रोन 250 ग्राम वजन के अलावा सभी ड्रोन को एविएशन रेगुलेटर से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होगा। इसके लिए लोगों को 1,000 रुपये का शुल्क अदा करना होगा और बड़े ड्रोन को यूनिक एयर ऑपरेटर परमिट भी लेना होगा। इस परमिट को 25,000 रुपये में 5 साल के लिए लिया जा सकता है। दोस्तों ड्रोन अधिकतर जो फोटो एल्बम या फोटोग्राफी का काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत और बेहद ही काम की खबर है, उन लोगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य हो जाएगा। दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है, बैंक ने अपने पेंशन खाताधारकों को सूचित करते हुए कहा है कि उन्हें 30 नवंबर से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा, अन्यथा उनका पेंशन खाता बंद कर दिया जाएगा। जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाने की सूरत में उनके खाते में पेंशन का पैसा जमा नहीं होगा। बंद होगा SBI का बड़ी ऐप। दोस्तों 1 दिसंबर से SBI अपने मोबाइल वॉलेट बड़ी ऐप को पूरी तरह बंद कर देगा, इसलिए अगर आपने इस ऐप में कोई धनराशि छोड़ी हुई है तो फिर उसे तुरंत निकाल लें। बैंक ने अब अपना योनो ऐप लॉन्च कर दिया है, इस ऐप में ही लोगों को अब वॉलेट की सुविधाएं दी जा रही है। यदि आपने भी इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है तो अपने जो बैलेंस है इसमें तुरंत इसको विड्रॉल करें या ट्रांसफर करें, नहीं तो ये चला जाएगा। अगला अपडेट है दोस्तों, पेंशन भोगियों को लोन। दोस्तों अगर आप SBI की किसी भी शाखा में पेंशन प्राप्त करते हैं और इस पर लोन लेना चाहते हैं तो फिर जल्दी करें। बैंक ने फेस्टिवल सीजन की शुरुआत में ही इस स्कीम को शुरू कर किया था। इस स्कीम के तहत लोगों ने पेंशन भोगियों को किसी तरह से प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि यह स्कीम भी 30 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। यह लोन 76 साल से कम उम्र के केंद्रीय राजकीय सेना से रिटायर होने वाले लोगों को दिया जाएगा, यानी कि 1 दिसंबर से यह लोन जो है समाप्त होगा। पैन कार्ड पर नहीं देना होगा पिता का नाम। दोस्तों आपके पैन कार्ड में दिसंबर से एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 5 दिसंबर से एक नया नियम लागू होगा जिसके चलते पैन कार्ड बनवाने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत मिल सकेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड बनवाने के लिए पिता का नाम देने की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला लिया है। जिन मामलों में माँ एकल अभिभावक है या जो केवल माँ का नाम देना चाहता है तो उन्हें आवेदन फॉर्म में विकल्प दिया जाएगा। दोस्तों अगला अपडेट है, शुरू हुई ई पैन कार्ड की सेवा। अगर आपके पास भी पैन कार्ड नहीं है या फिर इसमें किसी तरह का बदलाव किया है और नया पैन कार्ड आने में देर लग रही है तो फिर ई पैन के जरिए ऐसा कर सकेंगे। इसके लिए किसी तरह के अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। ई पैन को जनरेट करने में किसी तरह का पैसा नहीं लगेगा। आपको केवल आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometaxindiafiling.gov.in पर जाना होगा। यहाँ जाकर आपको ऐसा करना होगा। हालांकि यह सुविधा केवल कुछ ही समय के लिए है, जिसके बाद में यह बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों याद है आपके लिए कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण नियम जो कि 1 दिसंबर से लागू होने वाले हैं जिनका सीधा असर होगा आपकी जिंदगी पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे देखिए अपने व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि सभी लोग जान सके इस लेटेस्ट और महत्वपूर्ण अपडेट व नियम को। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।